हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्निकल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां बात करते हैं कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। ये जो क्लास आपकी रिकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं, ए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग 1 to 1, और हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्योंकि 1 to 1 क्लासेज होती है, इसलिए हमारे पास एक स्टूडेंट बैच में है, जहाँ हम डिस्कस करेंगे। आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे साथ डिस्कस करें। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ वीवीए प्रोग्रामिंग को यूज करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले, अगर वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने जा रहे हैं तो आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है। एक्टिव करने के लिए आपको जाना होगा ऑप्शंस के अंदर में और कस्टमाइज रिबन। ऑप्शन के अंदर में कहाँ आइएगा? कस्टमाइज रिबन। इस कस्टमाइज रिबन के अंदर आपको यहाँ दिखेगा डेवलपर टैब। इस डेवलपर टैब पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको डेवलपर टैब जब आ जाए तो आपको एक काम और करना, जो सेकेंड है, अपने माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर। ऐसा इसलिए कि अगर आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल नहीं करेंगे, जब भी कोई नया माइक्रो वाली फाइल ओपन करेंगे तो आपसे सिक्योरिटी अलर्ट पूछेगा, मतलब कि आपको वार्निंग देगा, पॉपअप देगा और बोलेगा कि इसको अनेबल कीजिए, तो सिक्योरिटी अलर्ट आपको आएगा। तो इसलिए आप माइक्रो सिक्योरिटी पे जाए और यहां पे इसको कर दे अनेबल वीवी माइक्रो। ओके, पर ध्यान रखिएगा, आप जैसे इसको अनेबल करते ने जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करेगा यहाँ पे एक चीज, जो कि है कि नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियल चेंजेस कोड कैन रन। माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है, इसमें आपका कुछ कोड ऐसे है जो कि रन हो सकते हैं, डेंजरस है। तो अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो किसी कहीं से जब कोई फाइल आती है तो ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आपको फाइल आती है .xlsx की, तो .xlsx इसको बोलते हैं माइक्रो एक्सेल वर्क बुक। इसको बोलते हैं एक्सेल वर्क बुक। ये क्या होता है? ये सिंपल फाइलें होती है, इसमें सिर्फ डेटा स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? ओनली फॉर द डेटा, और कुछ स्टोर नहीं होता है। उसके बाद इसमें आता है .xlsm, इसको बोलते हैं एक्सेल माइक्रोज नेवल वर्क बुक। माइक्रोज अनेबल वर्क, राइट, जो बोलते हैं माइक्रो अनेबल वर्क बुक। इसके अंदर डेटा भी स्टोर होता है और कोड भी स्टोर होता है। तो इस वाले फाइल के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर होता है, इसके अंदर आपका डेटा एंड कोड दोनों स्टोर होता है। तो किसी ने आपको फाइल भेजी तो ध्यान रखिएगा, पहले देख लीजिए ट्रस्टेड हैंड। तीसरा आता है, वो आता है .xlsa फॉर एड इंस, इसको बोलते हैं एड इंस, ठीक है। अब एड इंस जो फाइल होती है वो सिर्फ कोड को रन करती है, तो किसी अनट्रस्टेड सोर्स से अगर आपको .xlsa आया तो आप ओपन ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोड होगा। अगर आपको ओपन करना है तो पहले सिक्योरिटी को जाके डिसेबल करें, देन ओपन करें। क्लियर है? Yes. तो यहां हमने जाना दो चीज, एक तो आपको डेवलपर टाइप चाहिए, दूसरा चाहिए सिक्योरिटी वार्ड। इसको सिर्फ एक बार करना है एक पीसी, ऐसा नहीं कि आपको हर बार करना है, सिर्फ वन टाइम इन वन पीसी। लेकिन तीसरा जो है वो है फाइल को सेव करना। देखिए, आपको बताया कि जब हम कंट्रोल एस करते हैं फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका फाइल सेव होता है एक्सेल वर्कबुक में, जो कि .xlsa, जो कि सिर्फ डेटा स्टोर करता है, कोड को स्टोर नहीं करता है। अगर आपने इस वर्जन में अपने फाइल को सेव कर लिया, दैट मींस कि आपका फाइल माइक्रो डिसेबल फाइल हुआ, आपके सारे कोड जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा फाइल को सेव करना। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि फाइल को जब भी माइक्रो यूज करने से पहले ही फाइल को सेव कर लें, ताकि आपको लास्ट में सेव करते समय गलती से आपका .xls a में सेव ना हो।
तो एक सुन दीजिएगा, सॉरी, तो फाइल को पहले सेव कर लो एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक से। क्या कर लो? एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, राइट। अब यहां पे तीन चीज आपने कर ली, तो दो चीजें तो आपको वन टाइम करना है और एक सेव करने वाला प्रोसीजर जो है एवरी टाइम करना, इसका ध्यान रखिए। अब बात आती है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग करें तो कहाँ करें, तो आपको यहाँ क्लिक करना है विजुअल बेसिक पे। विजुअल बेसिक जिसका शॉर्टकट होता है Alt F11, जब इसको ओपन करते हैं तो ये आपको इस तरह करना है, पॉप अप आता है, एक नया अलग सॉफ्टवेयर खुलता है। ध्यान रखिएगा इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट एक्सेल के साथ इनबिल्ट होता है। अब कुछ लोग गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि इंस्टॉल करना है, मेरे में नहीं होगा, तो मैं बता दूं एक्सेल के साथ इनबिल्ट है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि जब एक खुलता है, इसको देखिए यहाँ पे दो चीज डिफॉल्ट आपके पास आएगा, अगर नहीं है तो लाना हो। पहला प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दूसरा प्रॉपर्टी बार। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इसलिए चाहिए ताकि जितने भी फाइल्स आप यहाँ पे ओपन किए हुए हैं उस फाइल के जितने भी शीट है सबका लिस्ट दिखेगा। आपको प्रीव्यू की कोडिंग किस फाइल के अंदर करनी है वो चीज आप यहाँ पर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। किस फाइल के अंदर करनी है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें ये तो हो गया, अब इसमें ध्यान रखिए कि ये अगर आपके पास ना हो तो कहाँ से लाए? तो व्यू के अंदर आप देखेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड विंडोज प्रॉपर्टीज विंडो दो आपको दिखेगा, इसका शॉर्टकट भी सामने दिख रहा है, इसको ला सकते हो, या फिर यहां भी है, इससे भी आप लेके आ सकते हैं। ये भी यहाँ पे एक आइकन है, ये लाना जरूरी है। उसके बाद किसी भी सीट के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये व्हाइट कलर का जो विंडो अपीयर होगा इसको बोलते हैं कोड विंडो। यहां पे हम कोड करें, व्हाइट विंडो पे कोड करेंगे, लेकिन कहां? सीट वन है यहाँ पे दिखा ना, सीट वन के प्रॉपर्टी में, लेकिन मैं सीट वन या दिस वर्क के प्रॉपर्टी में जनरल कोडिंग के लिए मना करता हूँ। ऐसा है क्यों? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक माइक्रो बनाया, माइक्रो में मैंने मैसेज बॉक्स का दे दिया MSGBox, यहाँ लिख दिया हाय, या IPT एक्सल स्कूल या कोई मैसेज, जनरली आप लोग हेलो वर्ल्ड का देते हैं ना, यहाँ पे कर दिया। अब कल के डेट में अगर इस माइक्रो को रन करता हूं तो शुड वी हैव रन, रन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मैंने अपने सीट वन को कर दिया डिलीट, कर दिया डिलीट, तो क्या माइक्रो यहां पे आएगा? नहीं आए, आपकी कोडिंग गई, और सीट तो डिलीट होते रहते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ठीक है सर, दिस वर्कबुक में करते तो फाइल के अंदर जाएगा, बात सही है, बट यहाँ दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर आप किसी सीट के अंदर या किसी दिस वर्कबुक के अंदर आप किसी को कोडिंग करते हैं तो किसी और फाइल के साथ या सीट के साथ वो रेफरेंस नहीं ले पाए, मतलब इस फाइल से डेटा किसी और फाइल पे ले जाना है, किसी फाइल का डेटा इस फाइल पे लेके आना है, ऐसे चीजें यहाँ आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि एवरी टाइम आप जो है मॉड्यूल के अंदर यहां सब्जेक्ट के अंदर अपना माइक्रो को डालें एवरी टाइम, ठीक है। मैं बता दूंगा हम कोडिंग क्या करेंगे मॉड्यूल्स के अंदर, कैसे? इंसर्ट मॉड्यूल,
ये फाइल प्रॉपर्टी के साथ सेव। अब बात करते हैं कि माइक्रो डिक्लेरेशन, क्योंकि माइक्रो कैसे डिक्लेयर करें। देखिए माइक्रो डिक्लेयर करने के लिए आप यहां लिख सकते हैं सब, सब फॉर सब्जेक्ट, या पब्लिक सब भी लिख दे या सब लिख दे, दोनों चलता है। फिर आता है माइक्रो नेम, जैसे मैंने माइक्रो का नेम दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन माइक्रो क्लोज, तो एंटर प्रेस करते ही एंड सब तो बहुत अपीयर हो जाए। अब जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम इन दोनों के बीच में करें, एंड सबसे पहले नहीं, आपको सबसे सबके बाद और एंड सबसे पहले नहीं और एंड सबके बाद में, जो भी प्रोग्राम होंगे इसी के बीच में होंगे। अब आप सीट पे एक्सेल सीट पे जाइएगा इस पे, तो देखिएगा कि टेस्ट नाम का माइक्रो यहाँ पे अपीयर है ना। अब माइक्रो नेम डिफाइन करते समय कुछ चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे माइक्रो के नेम में जैसे मैं टेस्ट टूडे कर दिया, तो माइक्रो नेम में स्पेस नहीं लेगा, डॉट मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्लैश, इसे जो स्पेशल करेक्टर है ये नहीं ले, सो नहीं डालेगा। मुझे अगर सेग्रीगेट करना है तो मैं अंडरस्कोर से कर सकता हूं, सिर्फ अंडरस्कोर ही लेगा, इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं ले। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा, वन माइक्रो वन नेम, तो डुप्लीकेट माइक्रो अवॉइड कीजिएगा, बनेगा ही नहीं, एरर दे देगा आपको। तीसरा जो रूल है कि आप तीन करेक्टर में से, यहां पर लिख दिया मैंने राज वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब राज वन आप यहां बना तो दिए बट जैसे इसको रन करने के लिए जाएंगे ये रन यहां पे देखिए डिसअपीयर हुआ, क्यों, क्योंकि आप यहां साइड में देख सकते हैं कि वो राज वन के नाम के एक रेफरेंस पे चला गया, क्योंकि राज वन नाम का रेफरेंस होता है। इसे मैं आपको सलाह दूंगा कि तीन करेक्टर, क्योंकि आपका जो टोटल कॉलम का करेक्टर होता है तीन होता है, तीन करेक्टर एंड न्यूमेरिक कोड ना यूज करें, जैसे देव वन राज वन, ठीक है रॉय वन, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे आप ना लें, ठीक है। अगर आपको जरूरी है तो इनके बीच में क्या करें, अंडरस्कोर लगा, ठीक है। और एक मॉड्यूल में कई सारे माइक्रोज लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि माइक्रो, एक ही माइक्रो में पूरी प्रोजेक्ट ना लिखें, आप प्रोजेक्ट को तीन चार पार्ट कर लें, माइक्रो को तीन चार अलग अलग पार्ट्स में कोट करें। तो यहाँ पे आपने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, आपने सीखा माइक्रो यूज करने से पहले हमें डेवलपर टैब एक्टिव करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी को अनेबल करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अनेबल करने के बाद अननोन फाइल को ओपन करने से पहले हमें बाकी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में डिस्कस किया। वीवी विजुअल बेसिक एडिटर पे कैसे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद हमें कोड विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज कैसे आएगा उसके बारे में बात की, उसके बाद हम कोड कहाँ करेंगे इसके बारे में बात किया आपके साथ, और हम कोड सीट पे या वर्कबुक पे क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में बात किया, साथ में हम कोड कहाँ करेंगे तो मॉड्यूल में करेंगे, मॉड्यूल कैसे इंसर्ट करेंगे और माइक्रो का नेम कैसे डिफाइन करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ समझना है? Yes. अब यहां पे एक चीज आती है कि जब आप माइक्रोज पे जाते हैं तो आपको ऊपर रिकॉर्ड माइक्रो दिखता है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जो हम माइक्रोज बनाते हैं वो रिकॉर्ड माइक्रोज होता है, और जो हम वीवीए कोडिंग खुद से करते हैं उसको वीवीए कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, चाहे वो आपका रिकॉर्ड माइक्रो हो चाहे आपका वीवीए से कोडिंग किया हुआ माइक्रो है, दोनों केसेस में क्या बनेंगे, माइक्रो ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है? यस। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो हो है क्या?
रिकॉर्डिंग मैक्रो आपकी माउस एक्शन को कोड में कन्वर्ट करने का एक टूल्स है। जैसे मैंने यहां पे रिकॉर्ड मैक्रो को शुरू कर दिया, शुरू करके ओके किया, तो यहां पे जैसे मैं लिखूंगा नेम, मैं लिखूंगा रॉल, तो मैं लिखूंगा मार, तो जो भी मैं यहां कर रहा हूं, जहां पे कर्सर रख रहा हूं, जो टाइप कर रहा हूं, इस सब को वीबीए कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। आप यहां विजुअल बेसिक पे जाइएगा, देखिए नया मॉड्यूल्स ऐड कर दिया यहां पे इसने, और यहां पे ये देखिए दिख रहा है कोड, दे आर ऑल्सो वीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वीबीए प्रोग्राम इसने आपके एक्सेल ने वीबीए को ही यूज किया है और उसी का इस्तेमाल, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहां पे एक चीज डिस्कस बात करते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों अलग एक जैसा प्रोग्रामिंग कैसे है, अगर इसी कोड को मुझे मैनुअली कोड करना होगा, मुझे कोड करना होगा तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मेन, मैं सिंपल ये प्रोग्राम में लिखूंगा। अब यहां पे जो प्रोग्रामिंग ये हुई है और यहां पे हुआ है, दोनों में तो फर्क है, देखिए फर्क नहीं है, यहां पे फर्क नहीं, क्यों मैं यहां बता दूं, देखिए जब हर लैंग्वेज में दो लैंग्वेज होता है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक आम बोलचाल के लैंग्वेज, राइट, तो ये जो है ये लैंग्वेज हमने अपने हिसाब से यूज किया, जो चाहिए जरूरत था वो लिखा है, और इसने ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जब आपको छुट्टी चाहिए होगा तो अपने बॉस को जाके अगर वर्बली बताना है तो आप बोलेंगे बॉस कल मुझे छुट्टी चाहिए, पर इसी को रिटर्न में लिख के देना हो तो आप क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, टू द सर मैम स्कूल कुछ जो भी लेना चाहते हैं उसका यूज करेंगे, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग मैक्रो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो है जो कि मेरे मेरे बिहाफ पे कोडिंग कर देता है तो फिर हम वीबीए प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, देखिए रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल, ठीक है आपने बोला सही है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल से आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का कोई ऑटोमेशन नहीं कर सकते, डायनेमिक रेंज सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो इस सब चीजों के लिए बना है, तो बहुत क्वेश्चन आता है तो फिर फायदा क्या है, देखिए रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेसिकली यूज होता है आपका किसके लिए, एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको को पेस्ट स्पेशल कहीं पे लगाना है, बट पेस्ट स्पेशल कोई कोड आपको पता नहीं, ठीक है, आपको पेस्ट स्पेशल लगाना है पर पेस्ट स्पेशल का कोई कोड आपको पता नहीं, तो आप क्या करेंगे,
मैं क्या करूंगा कि मैं ये काम करूंगा, कॉपी करूंगा और माइक्रो को रिकॉर्ड करूंगा, ओके करूंगा और कहीं भी जाऊंगा राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और यहां पे मैं क्या करूंगा पेस्ट स्पेशल को यूज कर लूंगा, इसे वैल्यू कर दिया। आफ्टर दैट मैं माइक्रोज के अंदर जाऊंगा, जो माइक्रो बना है उसको सिलेक्ट करूंगा एंड जस्ट क्लिक ऑन द एडिट। जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा मैं चलाऊंगा इसकी कोड प्रॉपर्टी में, ठीक है, और यहां से मैं पेस्ट स्पेशल का कोड देख लूंगा। तो एज ए डिक्शनरी, जैसे हिंदी इंग्लिश हिंदी तमिल का डिक्शनरी होता है, वो डिक्शनरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी इसमें आगे क्या कर, आगे इसमें आपको एक काम करना है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना चीजें, इनको यूज करना है। अब आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस लानी है प्रोग्रामिंग के लोग, अवेयरनेस मतलब जैसे कि एक्सप्लोर करना है, इसको हम लोग बोलते हैं भाषा में एक्सप्लोर करना। कैसे एक्सप्लोर करना, आप क्या करें माइक्रो को रिकॉर्ड करें, ठीक है, माइक्रो को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप किसी एक फीचर को, मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना है, तो भी मैंने बोल्ड अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, बोल्ड अप्लाई कर दिया। देन मैं जाऊंगा वीबीए प्रोग्रामिंग में जहां पे कोड बना है, तो देखूंगा कि बोल्ड करने का क्या कोड हो, क्या कोड यहाँ पे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। अब मैं इसको ट्रू को फॉल्स करके फिर अप्लाई करूंगा, देखूंगा कि रिवर्स होता है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको अभी क्या करना है, अभी आपको इसी तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो करनी है, रिकॉर्डिंग माइक्रो करके कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसके बाद रिकॉर्डिंग माइक्रो की क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहां पे जस्ट एक्सप्लोर करना है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक इसको कीजिए आज की जो क्लास की।